खबर आ रही झांसी से, जहां झांसी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत वार्ड नंबर 50 के पार्षद हैं किशोरी रेखवार ने एक अनोखी प्रतियोगिता को आयोजन करो, जहां पे सबसे अच्छी सेल्फी निकालने वाले 14 साल से कम उम्र के बच्चन का इतः पे प्रथम उपहार में साइकिल समेत अन्य उपहार दिए गए। सबका पता है कि कल हमारे आज़ादी को अमृत महोत्सव मना भी इकड़ी में 13 से 15 तक आज़ादी को अमृत महोत्सव मनाओ जा रहा है, और कल 15 अगस्त का हर घर में तिरंगा लगावे की अपील भी करी गई थी कि 15 अगस्त से पहले सब जन खां अपने अपने घर में तिरंगा लगाने हैं। वही कड़ी में जो अभियान लगातार जारी है जी में पार्षद साहब ने अनोखी प्रतियोगिता को आयोजन करो है, तो का कैसे गोलू से बात का हुआ सुन लो। बोल रहे हैं गोलू अग्रवाल, और जैसे सब लोगों को देखने को मिल रहा है कि हर घर झंडा लगावे की जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार सब जगह सब लोग जो है लगे हैं। ऐसे ही हमें तभी आए हैं पार्षद हैं किशोरी रेखवार, वार्ड नंबर कितना है भैया आप लोग? 50। वार्ड नंबर 50 से ये पार्षद हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़िया स्कीम निकाली है मॉर्निंग वॉर्न के लाने की, प्रथम पुरस्कार साइकिल, दूसरा पुरस्कार बैग, पानी की बोतल, टिफिन और पेंसिल बॉक्स। इनको जो कहो है, इनको जो मानव है कि अपने राष्ट्रीय ध्वज को जो भी हमारे वार्ड में अच्छे से फहरा है और बाकी जो सेल्फी जो है भेजे, उसके बाद जो है जय इनाम जो है हम जो है 16 तारीख को हमारी ये कमेटी है वह जो है इनाम दे। जय स्कीम बड़ी अच्छी लगी, सो बुंदेली चुगली आई है कि आखिर ऐसो अनोखो इनके पास जो है कि स्कीम आई कहाँ से। आप पार्षद जी बताओ क्या है? पहले नंबर तो राम राम और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी स्वतंत्रता की शुभकामनाएं गुरु जी। आज माननीय मोदी जी ने जो देश के अंदर प्रत्येक घर पे तिरंगा लगे, और तिरंगा छोटे बच्चों, अभी तक क्या था कि बड़े बड़े लोग ही तिरंगे फैलाते थे, माननीय मोदी जी का मानना है कि छोटे बच्चों की तरह जिस पे उसमें तिरंगा और देश के प्रति भावना रहे कि अच्छा उनके भाव में दिल में घोड़ा करे कि भाई झंडा हर साल में फहराना है। इस उद्देश्य के साथ हमने सोचा छोटे बच्चे इस योजना से इस झंडे से कैसे प्रेम करें, झंडे के प्रति लुभावने कैसे हों, इसलिए हमने ये योजना निकाली कि जो भी बच्चे अपने छत पर एक झंडा लगाते हुए सेल्फी खींचेंगे उनको हम एक फर्स्ट प्राइज साइकिल, सेकंड प्राइज स्कूल बैग, तीसरी वो पानी की बोतल, टिफिन और पेंसिल बॉक्स वितरित करेंगे। जय स्कीम जो है आपके मन में आई है और राष्ट्रध्वज के प्रति जो है बच्चन को आगे बढ़ावे के लिए जो स्कीम आई है आपके दिमाग, तो आखिर आपने जो कब सोचो जो कि जो दिमाग में कैसे आई कि जय स्कीम चलाई जाए? जैसे ही मोदी जी का आदेश हुआ कि हर घर तिरंगा, तो हमने सोचा कि हर घर तिरंगा कैसे लगे लोगों को, क्योंकि आजकल छोटे बच्चों में खासतर छोटे बच्चे इस झंडे को लेकर अपने झंडे आकर्षित कैसे हों, इसलिए हमने ये योजना बनाई कि प्रत्येक घर पर बच्चों के द्वारा ये झंडा फहराया जाए। इसी उद्देश्य से हमने कहा कि बच्चे कैसे झंडा फहराएं, इस उद्देश्य से हमने झंडे हुए। अभी तक बाढ़ में अपने बाढ़ में पूरे बाढ़ में आप कितने ध्वज जो है के लगवा चुकी हो? लगभग 1000 ध्वज हमारे यहाँ से वितरित हुए, 300 ध्वज कंट्रोल के माध्यम से, 400 हमारे सहयोगियों के माध्यम से, और आज भी और कल भी हमारे यहाँ से झंडा बांटने का कार्यक्रम ऐसा ही निरंतर चलता रहेगा। जय स्कीम के माध्यम से बच्चन से आपका क्या वो चाहो कि मतलब बच्चा किस प्रकार से सेल्फी खींचे, थोड़ी सी गाइडलाइन? बच्चे झंडा स्वच्छ अच्छा लगे, सांप झंडा हो, डंडा अच्छा सीधा लगा हो, और बच्चे सजे हुए हों, वो तिरंगे की तरह भी वो भी लगें, जो जो बच्चा अच्छा सुंदर लगेगा, अच्छी सेल्फी जिसकी होगी, सुंदर झंडा जिसका लगेगा, उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगी। तो जे हते हमारे संगे वार्ड नंबर 50 के पार्षद किशोरी रेखवार, इनको साफ कह वो है कि जो बच्चा बढ़िया झंडा बिल्कुल सीधे और ढंग से लगा है और जितो सजे हुए बच्चा और जो सेल्फी हमारी जो कोर कमेटी, हमारा मुंदेली चुगली से बोल रहे हैं गोलू अग्रवाल। बबलूगढ़ समाज सेवी खजवा, 15 अगस्त को समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि समस्त क्षेत्रवासियों को खुशहाली प्रदान करें परमात्मा। हमारी सेवा और निष्ठा ईमानदारी जनता को के दिल में है, इसलिए जनता हमको सेवा चुनना चाहती है, और हम भी जनता को, जनता जनार्दन को मैंने भगवान माना है पूरे जीवन के लिए। राजनीति तो 2 दिन की होती है, लेकिन मैं पूरे जीवन के लिए जनता की सेवक की भांति सेवा करता रहूँगा।